Alright. Praise the Lord. Praise the Lord. Jeremiah chapter 23 खोलेंगे आज. टाइम क्या हो गया? 8:30 हो गया. एक घंटा बैठेंगे आप 9:30 तक. हाँ ओके. जेरेमायाह 23 आज हम पढ़ेंगे. जेरेमायाह 23 और वर्स नंबर 15 से हम पढ़ेंगे. हम पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं. वर्स नंबर 1 से उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियां को तितर और बितर करते और उनका नाश करते हैं. यहोवा यह कहता है, इसलिए इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यह कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की स्तुति नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और जबरन निकाल दिया है. अच्छा, इधर वर्स नंबर 15 में हम जब देखते हैं, परमेश्वर यहाँ बात कर रहा है. हम पहला वर्स से अगर हम देखेंगे, ये परमेश्वर किसके विरुद्ध बात कर रहा है? जो फॉल्स प्रॉफिट्स हैं, भविष्यवक्ता, जो बुरे भविष्यवक्ता है, फॉल्स प्रॉफिट्स हैं, उनके विरुद्ध परमेश्वर यहाँ बात कर रहा है. और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर इनके ऊपर खुश नहीं है. He is not very happy. Look at verse number 16. सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यह कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ. हाँ, यहाँ परमेश्वर क्या कहता है? सेनाओं का परमेश्वर क्या कहता है लोगों से? जो भविष्यदत्ता है, ये जो बुरे भविष्यदत्ता है, उनके बात पर न आए, उनके बात सुनो मत. Thus says the Lord of hosts, hearken not unto the words of the prophets that prophesy unto you. जो भविष्यदत्ता है, जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, उनके भविष्यवाणी को सुनो मत. आज बहुत सारे भविष्यदाता है ना, बहुत सारे प्रॉफिट्स होते हैं. आज परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर कहता है, उनके बातों पर न आए, उनके भविष्यवाणी मत सुनो. दे मेक यू वेन, दे स्पीक अ विजन ऑफ देयर ओन हार्ट एंड नॉट आउट ऑफ द माउथ ऑफ द लॉर्ड. उन लोग परमेश्वर के वचन को प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन उनके सोच विचार का बातें उन लोग तुम्हें बता रहे हैं. आजकल का भविष्यवाणी ऐसा ही हो रहा है. आजकल का भविष्यवाणी कैसा हो रहा है? उन लोग देखेंगे कि हाँ, सुबह समाचार में ऐसा हो रहा है, न्यूज में ऐसा हो रहा है, उसे पकड़कर उन लोग क्या करेंगे? उसे भविष्यवाणी बनाएंगे. इलेक्शन को देखेंगे और देखेंगे कि कौन बहुत पॉपुलर है और बोलेंगे, मुझे परमेश्वर कह रहा है ये जीतने वाला है. समझ रहा है? परमेश्वर कहता है, इन लोग अपने मन के विचार के अनुसार, मन के विचार के अनुसार इन लोग क्या कर रहे हैं? बात कह रहे हैं, परमेश्वर के वचन को प्रचार नहीं कर रहे हैं. वर्स नंबर 17, जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है. हाँ, परमेश्वर क्या कहता है? इन लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, दे डिस्पाइज मी, इन लोग मुझे प्यार नहीं करते, इन लोग सच्चाई नहीं बता रहे. ये जो भविष्यवक्ता है, जो अपने आप को भविष्यवक्ता बनाया, आज जहां भी जाओ, हर एक व्यक्ति अपने आप को प्रॉफेट कहलाता है, क्योंकि प्रॉफेट कहने से क्या होता है? पॉपुलर बन जाते हैं. बहुत सारे बड़े बड़े लोग आज इंडिया में हैं, जैसे कि
अंकुर नरूला, बजिंदर सिंह, पॉल दिनागरन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को प्रॉफेट कहलाते हैं, लेकिन इन लोग परमेश्वर के वचन प्रचार नहीं करते हैं। परमेश्वर कहता है ये लोग क्या करता है, मुझे तिरस्कार करते हैं, मुझे रिजेक्ट करते हैं, दे आर डिस्पाइजिंग मी, मुझसे नफरत करते हैं। लोगों से कहेंगे कि ये परमेश्वर कहता है, दस सेज द लॉर्ड, ये सब बातें उन लोग इस्तेमाल करेंगे। देखो यहां लिखा है वर्स नंबर 17, जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यदाता सदा कहते रहते हैं। हाँ, ये देखो बुरे पर भविष्यदाता की कैसा पता चलेगा कि ये सच्चा भविष्यदाता है या ये बुरा भविष्यदाता है। उन लोग क्या सदा कहते रहेंगे, कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। हाँ, यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। हर बुरे भविष्यदाता, एवरी फॉल्स, द आइडेंटिटी ऑफ अ फॉल्स प्रॉफेट इज दैट दे विल प्रीच एंड दे विल प्रोफेसाई पीस, दे विल प्रोफेसाई पीस, सब कुछ ठीक ठाक होने वाला है, तुम्हारा अच्छा होने वाला है, कल्याण होने वाला है, डरो मत, जाओ तुम जो भी करना है वो करो, सब कुछ तुम्हारा कल्याण होने वाला है। उन लोग कभी भी सच्चाई नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बोलेंगे जो लोगों को अच्छा लगता है। अगर मैं तुम्हें बोलूं परमेश्वर तुम्हें 10,000 देने वाला है कल, तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं? अच्छा लगेगा, है ना, तुम्हारा कल्याण होने वाला है, सबको अच्छा लगेगा। लेकिन आज परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर कहता है तुम लोग मन फिर कर, पाप से पछताव कर आओ परमेश्वर के सामने। तुम पाप में चल रहे हो, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चल रहे हो, मन फिरा कर पछताव होकर तुम आओ। लेकिन ये आज लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन परमेश्वर कहता है यही प्रचार करना है। लेकिन जो परमेश्वर का भविष्यदाता है वही प्रचार करेगा, लेकिन दुष्ट प्रचार करने वाले, दुष्ट भविष्यदाता है, वो क्या कहेगा, तुम्हारा कल्याण होगा, देयर विल बी पीस, द लॉर्ड हैज सेड He shall have peace. Who will? They say still unto that despise me. The Lord has said, He shall have peace. And they say unto everyone that walketh after the imagination of his own heart, no evil shall come upon you. उनके मन के अनुसार, उनके दिल के अनुसार, विचार के अनुसार जो चलते हैं, ये भविष्यदाता क्या कहते हैं, उन लोग क्या कहते हैं, एक पॉइंट पकड़ेंगे, उस पॉइंट को पकड़ के भविष्यवाणी करेंगे। अगर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी इलेक्शन में बैठेगा और देखेंगे कि सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, अरे सब मोदी मोदी कहते हैं, तो इन लोग अभी बुरे भविष्यदाता क्या करेंगे, खड़े होकर बोलेंगे परमेश्वर मुझे वचन दिया है कि अगले इलेक्शन में सिर्फ नरेंद्र मोदी जीतेगा। ये सबको पता है, न्यूज चैनल भी बोल रहा है, लेकिन भविष्यदाता क्या करेंगे, उस न्यूज चैनल को पकड़ के उन लोग भविष्यवाणी करने लगेंगे और बोलेंगे ये परमेश्वर हमें बोल रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, इन लोग मुझे क्या कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, इन लोग अपने दिल के अनुसार, सोच विचार के अनुसार इन लोग बात कर रहे हैं। वर्स नंबर 18, भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझाने पाया है, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है। परमेश्वर का भविष्यदाता क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन खोलकर परमेश्वर का वचन प्रचार करेंगे। परमेश्वर के भविष्यदाता अपने आप को बड़ा दिखाएगा नहीं। For who has stood in the counsel of the Lord and has perceived and heard His word? Who has marked His word and heard it? तो परमेश्वर यहां पूछ रहा है, कौन है मेरे वचन सुनने वाला है, कौन मेरे वचन को प्रचार करता है। परमेश्वर की जो दास है उनका काम क्या है, परमेश्वर का वचन खोलना, परमेश्वर का वचन प्रचार करना। वर्स नंबर 19,
देखो यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। क्या होने वाला है? कल्याण नहीं होने वाला है। आने वाले दिनों में इस संसार में क्या नहीं होने वाला है? कल्याण नहीं होने वाला। आज देखो, अब टीवी अगर खोलेंगे, न्यूज़पेपर अगर पढ़ेंगे, हम क्या देखते हैं? कल्याण नहीं देखते हैं, हम बुरा ही देखते हैं। परमेश्वर जल्द आने वाला है और परमेश्वर आने से पहले परमेश्वर क्या कहता है? लोगों का मन फिरना चाहिए, दिल फिरना चाहिए, लोग पाप से क्षमा होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। तो परमेश्वर के क्रोध इस दुनिया में आने वाला है। क्यों? क्योंकि लोग अपने दिल के सोच के अनुसार चल रहे हैं। इट इज कमिंग अपॉन द विकेड लाइक अ व्हर्लविंड। लेकिन अगर लोगों को गुमराह करना है, लोगों को पागल बनाना है और लोगों के बैंक से पैसा चोरी करना है, तो क्या करना चाहिए? सिर्फ लोगों को बोलो शांति आने वाला है, कल्याण होने वाला है। तो लोग फिसल कर क्या करते हैं? पैसा देते रहते हैं। ये बुरे भविष्यद्वक्ता के काम है। बोलेंगे अब क्या करो, बी बोजो, यू सो द सीड। सुना है आप लोग ने? सो द सीड। हमारे मिनिस्ट्री को तुम इतना डोनेशन दे दो, उतना डोनेशन दे दो, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा, पैसा देगा तो ब्लेस करेगा। परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं बोला। लेकिन बुरे भविष्यद्वक्ता लोग क्या करते हैं? लोगों को गुमराह करते हैं। वर्स 20, जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी ना कर चुके तब तक उसका क्रोध शांत ना होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात की भली भांति समझ सकोगे। जब तक परमेश्वर काम खत्म नहीं करेगा तब तक इस दुनिया में क्या होगा? परमेश्वर का क्रोध होगा। The anger of the Lord shall not return until he have executed, until he have performed the thoughts of his heart. In the latter days he shall consider it perfectly. God will protect God's children. Amen. But in this world, the Bible says God's anger will become upon them for rejecting God. लेकिन बुरे भविष्यद्वक्ता क्या कहते हैं? कल्याण होने वाला है, शांति होने वाला है। परमेश्वर कहता है तुम्हें पता चलेगा आने वाले दिनों में कि ये सब बुरे भविष्यद्वक्ता थे जो कल्याण और शांति के प्रचार कर रहे थे। जब लोगों को पाप से पछताव कर कर वापस बुलाना चाहिए था, इन लोगों को पाप में ही चला रहे थे। टू मैनी पीपल आर प्रीचिंग दिस थिंग्स टूडे, peace and prosperity, when God is saying my anger will come upon. God's people should live in the fear of God. Parmeshwar ke log kaise jina chahiye? Parmeshwar ke bhay mein, Parmeshwar ke pyar mein, Parmeshwar ke vachan ke anusar paap se pachatav kar kar hum roz Parmeshwar ke vachan ke anusar chalna chahiye. Ye Parmeshwar ka vachan kehta hai. लेकिन बुरे भविष्यद्वक्ताएं क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, शांति आने वाला है, कल्याण होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला आपकी ज़िंदगी में। परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं, और तुम जानेंगे, यू विल कम टू नो अबाउट दिस इन द लेटर डेज। वर्स 21, ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। परमेश्वर क्या कहता है? आई हैव नॉट सेंड दिस प्रोफेट्स येट दे रेन, आई हैव नॉट स्पोकन टू देम येट दे प्रोफेसाइड। मैंने इन्हें भेजा नहीं, ये दौड़ कर गए, मैं इनके द्वारा बात नहीं करता हूं, इन लोग भविष्यवाणी करते हैं। दिस आर फॉल्स प्रोफेट्स।
आज बहुत सारे फॉल्स प्रॉफिट्स गोवा में भी बहुत सारे हैं, अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, और हम जानना चाहिए कि परमेश्वर कहता है ये सब बुरे भविष्यवाणी हैं, भविष्यदाता है जो बुरे भविष्यवाणी कहते हैं, जो झूठ कहते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट देर आर नो सो कॉल्ड प्रॉफिट्स। इफ अ प्रॉफिट इज नॉट कॉलिंग पीपल टू रिपेंट ऑफ देयर सिन एंड कॉलिंग देम बैक इनटू द फेलोशिप ऑफ गॉड एंड इन ओबीडियंस टू गॉड्स वर्ड, अगर लोगों को सच्चाई प्रचार नहीं करते हैं तो वो भविष्यदाता नहीं है, वो बुरा भविष्यदाता है। और परमेश्वर कहता है मैंने इन्हें भेजा नहीं, इन लोग अपने आप दौड़े, इन लोग अपने आप दौड़े, मैंने इनसे बात नहीं किया, इन लोग अपने मन और दिल के विचार के अनुसार उन लोग क्या कहते हैं, झूठ प्रचार करते हैं। That's very important. I have not sent these prophets, yet they ran. I have not spoken to them, yet they prophesied. आज जहाँ भी देखो आप टीवी खोलो, क्रिश्चियन टीवी खोलो, सब लोग क्या करते हैं आज? प्रोफेसी करते हैं, है ना? जहाँ भी देखो, परमेश्वर का प्रोफेसी किधर है? परमेश्वर का वचन प्रोफेसी है। This is God's prophecy. तुम्हें अगर प्रोफेसी मांगता है, परमेश्वर का वचन खोल के पढ़ना चाहिए। कोई भविष्यदाता के पास दौड़ने का जरूरत नहीं है। एनीवन दैट कॉल्स हिमसेल्फ टू बी अ प्रॉफिट टुडे इज अ फॉल्स प्रॉफिट। जो भी अपने आप को प्रॉफिट कहता है आज, वो दुष्ट प्रॉफिट है, बुरा भविष्यदाता है। परमेश्वर ने उन्हें भेजा नहीं, परमेश्वर उनसे बात नहीं करता है, उन लोग झूठ बात करते हैं, लोगों को क्या करते हैं, मस्का लगाते हैं, सब कुछ ठीक ठाक होने वाला है, तुम लोग जाओ, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्स 22, यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। परमेश्वर क्या करता है, बट इफ दे हैड स्टूड इन माई काउंसिल and had caused my people to hear my words, then they should have turned them from their evil way and from the evil of their doings. अगर वो सच्चा पर प्रचारक थे, अगर सच्चा भविष्यदाता थे, तो उन लोग क्या करते थे, मेरे वचन को प्रचार करते थे, राइट? और लोगों को पाप से मन फिराकर बुलाते थे, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं उन लोग। दे आर नॉट प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, दे आर जस्ट प्रोफेसाइंग। बॉम्बे में एक आदमी है, उसका नाम क्या है, करुणा सदन बोल के, माइकल डिसूजा, प्रोफेसाई, बहुत प्रोफेसाई होता है, प्रचार नहीं होता है, बहुत प्रोफेसाई, और प्रचार भी कैसे करेंगे, लोगों को मस्का लगाने वाला। गोवा में कुछ लोग हैं, योगा सिखाता है एक वर्नल डिसूजा बोल के, सब लोग आज गोवा में प्रोफेसाई करते हैं। मैं किसी को बुरा बताने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बाइबल में ऐसा लिखा है कि आज जो भी अपने आप को प्रॉफिट कहता है वो दुष्ट प्रॉफिट है। मैंने लिखा नहीं बाइबल, किसने लिखा, परमेश्वर के वचन परमेश्वर ने लिखा है। सच्चा प्रचारक क्या करेगा, परमेश्वर के वचन खोलेगा और प्रचार करेगा और कहेगा तुम मन फिराओ, अगर पाप किए तो मन फिराकर परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर के वचन के अनुसार जाओ। लेकिन आज क्या है, कोई बात नहीं, तुम्हारा वीज़ा आने वाला है जल्दी, तुम यूएसए जाएंगे, कनाडा जाएंगे, वीज़ा पास होने वाला है, बैंक लोन पास होने वाला है, सब कल्याण होने वाला है तुम्हारा, और लोगों को गुमराह करते रहेंगे। और गॉड इज वार्निंग अस, परमेश्वर हमें वार्निंग करता है, इनसे दूर रहो। वर्स 23, यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ? Am I a God at hand, say the Lord, and not a God far off?
Can any hide himself? Verse 24. फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ देख सकता हूं, मैं सिर्फ पास ही नहीं हूं, मैं दूर भी हूं, मैं सिर्फ दूर नहीं हूं, मैं पास भी हूं, मैं सब कुछ देख सकता हूं और सब कुछ मैं जानता हूं। वर्स 25, मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है जो मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है। क्या सुना है परमेश्वर ने इस भविष्यवक्ताओं की बातें? जो मेरे नाम से ये कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मेरे नाम से क्या? मेरे नाम से ये कहकर झूठी भविष्यवाणी कहते हैं। ये इन लोग किसी और के नाम से भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, ये लोग परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणी कर रहे हैं। दे आर टेकिंग द नेम ऑफ गॉड। Thus says the Lord, यीशु मसीह मुझे सपने में ये बताया, मुझे विजन मिला है, मुझे ड्रीम्स आया, मैंने सपना देखा, मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया और परमेश्वर के नाम से इन लोग झूठ भविष्यवाणी कहता है। क्या कहते हैं? Verse 25, मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है जो मेरे नाम से ये कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने सपना देखा है, मैंने सपना देखा है। अगर किसी को पागल बनाना है, सिस्टर मैंने सपने में तुम्हें देखा और परमेश्वर तुम्हारा सब कुछ काम ठीक ठाक करने वाला है। ब्रदर मुझे सपना गिरा आपका कि आपको बोट में काम जल्दी जल्दी मिलने वाला है, सब कुछ, अरे तुम्हारा बिजनेस एस्टेब्लिश होने वाला है या तुम्हारा बेटी का शादी होने वाला, मैंने सपना में देखा। और ये परमेश्वर के नाम से झूठ बोलने वाले, द बाइबल इज सो क्लियर अबाउट इट, है ना? तो परमेश्वर कहता है भाई तुम लोग ये जो अपने आप को भविष्यदत्ता कहते हो उनके पीछे मत भागो। टीवी में खोलो, हर जो टीवी में आता है सब बुरा भविष्यदत्ता है। 15 मिनट भविष्यवाणी करेंगे, 15 मिनट पैसा पूछेंगे, डोनेशन डोनेशन डोनेशन, है क्या नहीं? अगर तुम सच्चा परमेश्वर के भविष्यदत्ता है, डोनेशन मांगने का जरूरत नहीं है। सच्चा प्रचार करो, लोग देंगे, है ना? वर्स 26, जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल में भविष्यवक्ता है, ये बात कब तक उनके मन में समझाई रहेगी? कितने कब तक? How long shall this be in the heart of the prophets that prophesy lies? Yeah, they are the prophets of deceit of their own heart. कितने, लेकिन इनको परमेश्वर का डर नहीं है, परमेश्वर से डरते नहीं इन लोग, लेकिन परमेश्वर से ना, परमेश्वर के नाम से इन लोग क्या करते हैं? अपना कमाई करते हैं, अपना मन में जो भी आते हैं वो बोल देते हैं। आज अभी हम भी इधर से बोल सकते हैं, सिस्टर आप बहुत कष्ट करते हैं, थक गए, है क्या नहीं? वो भविष्यवाणी है, हम तो जानते हैं, लेकिन तुम्हारा कल्याण होने वाला है। ब्रदर आप बहुत परेशानी में चल रहे हैं, परमेश्वर ने मुझे सपने में दिखाया कि तुम्हारा बहुत अच्छा होने वाला है, और परमेश्वर कहता है कितने दिन तुम झूठ बोलेंगे, कितने दिन तुम लोगों को गुमराह करेंगे? तुम्हारे दिल के अनुसार तुम प्रचार करते हो और परमेश्वर कहता है झूठ बोल रहे हो तुम। आज भी परमेश्वर हमें यही सिखा रहा है कि तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। जो भी मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहता है उसे दूर रहना चाहिए। अंडरस्टैंड? जो भी, कितना भी बड़ा मिनिस्ट्री हो, झूठ बोलने वाला का मिनिस्ट्री बहुत बड़ा होगा। समझ रहे हैं? तुम होटल में खाने के लिए जाओ और कजिनो जो है उसके बाहर
खड़े रुक के देखो, गर्दी किधर रहता है? कैजिनो में है ना। तो वहां बहुत लोग जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वहां परमेश्वर का कार्य होता है। लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि जब कान खुजली होती है, कबूतर का जो पंख है वो कान में डालेगा तो हा 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 अच्छा होता है ना। क्योंकि झूठा परमेश्वर, झूठा प्रचारक या झूठा जो प्रॉफेट होते हैं, उन लोग खुजली, कान खुजली करने वाली बात बोलेंगे, अच्छा लगता है। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं नहीं, उन लोग झूठ बोल रहे हैं, उनके दिल के अनुसार बोल रहे हैं उन लोग। वर्स 27, जैसे मेरी प्रजा के लोगों को पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेते थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बताकर मेरा नाम बुलाना चाहते हैं। हाँ, आज यही हो रहा है। यीशु परमेश्वर का नाम से करते हैं सब लोग, और बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, मैंने विजन देखा है, मैंने ड्रीम्स देखा, मैंने सपना देखा, दर्शन देखा, लेकिन उनका मकसद एक है। उनका मकसद क्या है? यीशु मसीह का नाम लेंगे, लेकिन लोगों को भविष्यद्वक्ता के ऊपर विश्वास बढ़ाएंगे। अरे मेरा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कितना पावरफुल है, ये प्रॉफिट के पास जाएंगे, यीशु मसीह के पास जाएंगे, बोलेंगे नहीं इन लोग, ये प्रॉफिट के पास जाएंगे, वो प्रोफेसी करता है। तो इनका काम क्या है? परमेश्वर के विश्वास से प्रॉफिट के विश्वास के ऊपर आ रहे हैं इन लोग। दे वॉन्ट टू टेक योर फेथ अवे फ्रॉम गॉड इन टू बाल। सो हु आर द बाल्स? ऑल द फॉल्स प्रॉफिट्स आर बाल। बाल मतलब क्या है? सैटन्स, सैटन वर्शिपर्स, पीपल हु टेक योर फेथ अवे फ्रॉम गॉड। वर्स 28, यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने सपना देखा हो तो वो उससे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना है तो वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की ये वाणी है, कहां भूसा और कहां गेहूं। द प्रॉफिट दैट हैज अ ड्रीम, लेट हिम टेल अ ड्रीम, एंड ही दैट हैज माय वर्ड, लेट हिम स्पीक माय वर्ड फेथफुली। जो सपना देखता है भविष्यद्वक्ता, वो सपना देखने दो, लेकिन जिसके पास मेरा वचन है, मेरा वचन को वो प्रचार करने दो। आमीन। कोई भी इंसान है, जो भी है, आज अपने आप को प्रॉफिट कहकर प्रोफेसी करने लगेगा, बोलेगा मैंने दर्शन देखा, मैंने सपना देखा, मैंने, तुम्हारा कल्याण होगा, शांति होने वाला है, सब कुछ। जब ऐसी बात तुम सुनेंगे, तुरंत क्या करना है? वहां से भागना है। लेकिन परमेश्वर के वचन को खोलकर जो प्रचार करेगा, वो परमेश्वर के सच्चाई प्रचार करते रहने दो। आमीन। और उसके लिए हम प्रार्थना करना है, हम वहां जाना है और परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। जो बोलते हैं कि मैं प्रोफेसाई करता हूँ, सपना देखा हूँ, मैं दर्शन देखा हूँ, परमेश्वर कहता है उन लोग झूठ बोल रहे हैं, उन लोग मेरे नाम लेकर दुष्ट काम कर रहे हैं। जो परमेश्वर का ऊपर विश्वास होना है, परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास होना है, उस विश्वास से उन लोग अपने ऊपर लेना चाहते हैं, उन लोग अपने आप को परमेश्वर से अधिक बड़ा करने चाहता है। गोवा में बहुत सारे हैं, इंडिया में बहुत सारे हैं। इंडिया में सबसे फेमस अंकुर नरुला है, बजिंदर सिंह है, और पॉल दिनगरन है, और कौन है फेमस प्रॉफिट्स इंडिया में? लेकिन ये तीन लोग बहुत फेमस है, और सब झूठा प्रचारक है, सब फॉल्स प्रॉफिट्स है। ये मैंने बोला नहीं, परमेश्वर ने बोला। तुम उनका प्रीचिंग अगर सुनेंगे, उन लोग बोलेंगे मैं प्रोफेसी करता हूँ, सब कुछ तुम्हारा भला होने वाला है। जब कोई ऐसा प्रोफेसी करता है, इसका मतलब है वो फॉल्स प्रॉफिट है। और जो परमेश्वर के वचन खोलकर जो है वो प्रचार करेगा, वो परमेश्वर का दास है, और हम वचन के अनुसार चलना चाहिए। आमीन।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, आपके वचन में बहुत साफ लिखा है सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, सच्चा प्रचारक कौन है और झूठा प्रॉफिट कौन है। आपके वचन के अनुसार चलने के लिए हमें सहायता कर प्रभु, आपके मार्ग में चलने के लिए हमें सहायता कर प्रभु, मनुष्य के पीछे नहीं परंतु आपके वचन में हम स्थिर रहे और आपके पीछे पीछे हम आए प्रभु। आपके वचन में हमारे विश्वास को बढ़ा, आपके बच्चों को आशीष करे, आपके बच्चों को सहायता कर प्रभु, उनके हर जरूरत पूरा कर, चंगाई दे प्रभु उनके ज़िंदगी में, आपके आशीष आने दो, आपका शांति आने दो प्रभु, लेकिन कभी भी झूठ में न फंसे प्रभु। आपके बच्चों को संभाल कर रख, ये झूठा प्रचारक झूठा प्रॉफिट से इन्हें संभाल कर रख प्रभु, उन्हें आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमेन।